नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 10 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं महादेव। जी हाँ दोस्तों, और आज शाम के 4:20 के बाद से आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी आपको खुशखबरी देने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आपके आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों पिछले कई समय से आप सभी के जीवन काल में आपने ऐसे संकेत देखे होंगे जिनमें दोस्तों आपको यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ चुका है जब आपके सारे कर्मों का फल स्वयं महादेव देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो भी शत्रु वर्ग आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से चल रहे हैं, जो कि आपके कार्यों में वो अड़चने डाल रहे हैं दोस्तों, अब वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों जीवन काल में जो बड़ी खुशखबरी आज शाम के 4 बजे के बाद आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में पहली बार आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप सभी को आज शाम 4 बजे के बाद से ये 4 बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 4 विशेष बातें अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल में 4 चांद लग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ की आप चाह रखते थे दोस्तों, वे सभी चीज़ आपको मिलने वाली है। और दोस्तों कभी भी आपने जीवन काल में इन बातों को बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके जीवन काल में किसी ईश्वर का साया नहीं है, कि दोस्तों अक्सर आप सभी के जीवन काल में जब भी समस्या होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ऐसे कहने लगते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन काल में नहीं है, अगर वो होते तो दोस्तों वो हमारे दुख जरूर देखते। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर आपकी जब परीक्षाएँ लेती है तो दोस्तों वे कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके कर्म को देखते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपने पिछले समय से अच्छे ही कर्म किए हैं और ईश्वर के इस परीक्षा में भी पास हुए हैं, जिनके कारण दोस्तों आज शाम के 4 बजे के बाद आपको भगवान भोलेनाथ बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको आज शाम के 4 बजे के बाद देने वाले हैं, शादी दोस्तों कौन से 4 विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, तो दोस्तों ऐसे में आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। जी दोस्तों, इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। दोस्तों इन बातों को भी आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने कि दोस्तों मंदिरों में जाते लोगों के हृदय में झांको, वो कुछ मांगने चले जा रहे हैं, बाजार में हार गए, मांग मांग कर ना मिला, अब मंदिर जा रहे हैं। आदमी से मांग मांग कर हार गए, अब परमात्मा से मांगने जा रहा है, लेकिन मांगने जा रहा है, अभी मांग से नहीं छूटे, और जब तक तुम मांगने से न छूटे तब तक तुम्हें मंदिर की राह न मिलेगी, तब तक तुम कहीं भी जाओ सब जगह तुम्हारा बाजार तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी मांग में ही तुम्हारा बाजार है, और तुम बाजार में भी मांग छोड़ दो, अचानक तुम पाओगे मंदिर वहीं आ गया, तुम जहां हो वहीं प्रकट हो गया। तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों से की शुरुआत बात करते हैं कि आज शाम के 4 बजे के बाद से आप सभी के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और कौन से 4 विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। शादी दोस्तों, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव, कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, जानेंगे इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है, धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी, तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यशमय अंकुश लगाना चाहिए,
दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं। तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यशमय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है। यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे जो ग्रह स्थिति होंगे यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी इसमें मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी इसमें हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश में लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यश में मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों यश में आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि रुपये पैसे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें, आपकी कोई योजना यश में गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यश में आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है यश में अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी यश में सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको यश में कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए यश में जरूरी होगा।
दोस्तों, सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों, यश में आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थितियां यश में बेहतर भी रहेंगी। कुछ हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी, पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा। नई प्रॉपर्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको यश में सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, शादी कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी यश में आपको नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। ये संबंध आपकी तरक्की फायदेमंद साबित कराने वाले हैं। दोस्तों, मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़े छोटी मोटी परेशानियां उठ सकती है, उन पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा। तो दोस्तों, यश में जरूर उन पर काम करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि व्यापार व फिर काम काज को लेकर कोई नई दिक्कत यात्रा आपके उत्तम भविष्य का रास्ता खोल देगी। इसलिए दोस्तों, इसका ध्यान रखें। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे, साथ ही पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यश में चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए यश में लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों, आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे। इसलिए दोस्तों, यश में आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप यश में समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तो दोस्तों, इन पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। यश में आपको वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी यश में बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में बुरी आदतों तथा बुरी संगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी टेंशन भी आपको यश में रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।